Hello guys, this is Vanshika Nanda. Hello everyone, my name is Gul Chaudhary. And welcome back to Silly Feelings. हाँ जी फिर किद्दा, I hope you all are doing good. तो आज हम आप लोगों के सामने वापस आ गए कौन नई वीडियो के साथ. हालांकि हम लोग काफ़ी टाइम बाद शूट कर रहे हैं, एक्चुअली वी बोथ वर बिजी, पर चलो फाइनली हम लोग शूट कर रहे हैं और आई होप हम कंसिस्टेंट रहे. और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है रमज़ान आया और रोज़ा रखो जी. पर एक सही बात बताऊँ, चाहे फिर वो रमज़ान हो या फिर नवरात्रे हो, सब चाहे तुम, ये तो हम सबको पता है हम इन दोनों में फास्ट करते हैं. चलो फास्ट करें ना करें, इससे भगवान इम्प्रेस हो ना हो, पर इतना तो है कि तुम्हारी बॉडी की जो भी टॉक्सिसिटी है वो तो निकल जाती है. और सही में बताओ, ये वाला जो बेसिकली वाला मंथ है ना, ये बहुत पॉजिटिव वाइब्स देती है. नवरात्रि करके भी और रमज़ान करके भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स देती है. इंडिया में अभी बात बताऊँ तो जैसे तुम लोगों को पता है कि जो इंडिया है वो सेकुलर स्टेट है, तो यहाँ पर बेसिकली बहुत ही प्यारा सा माहौल है. नवरात्रि भी चल रहे हैं, रमजान भी चले, तो बहुत ही सुंदर सा माहौल है. और गुल, पाकिस्तान में कैसा सा माहौल है? हाँ वंशिका, हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह से आजकल रमज़ान ही चल रहा है, रमज़ान का महीना स्टार्ट हो चुका है. आज हमारा पांचवा रोज़ा था अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत हम लोग इस महीने का इंतज़ार करते हैं. रहमतों वाला बरकतों वाला महीना होता है, तो इसलिए तो बहुत ज़्यादा हम इंजॉय करते हैं इस महीने को ना. हम वेट करते हैं पूरा साल कब रमज़ान आए और हम लोग रोज़े रखें. आई मैं ना लिटरली ऐसे कंफ्यूज थी, मुझे ऐसे पता नहीं था कि रमज़ान क्यों रखते, तो मैंने ऐसे सर्च किया तो बेसिकली उसमें दिखाया कि जो प्रोफेट मोहम्मद थे, ऐसा माना जाता है कि जो मुस्लिम है वो ऐसा मानते कि जो प्रोफेट मोहम्मद थे उनको इस मंथ बेसिकली गॉड की तरफ से कुरान मिली थी, कुछ ऐसा ही ऐसा है ना? ही है बिल्कुल बिल्कुल. हाँ जी ठीक है. तो मैं भाई सीरियसली इस वीडियो को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और मुझे नहीं पता ये कलाम है गाना है क्या है, तो चलो वीडियो देखते हैं फिर. तो तुम भी देखो, हम भी देखते हैं. लेट्स स्टार्ट. रमजान आया रोजा रखो जी, नेकी से झोली भरो जी, छोड़ो ना बीमारी का बहाना करके तौबा करो, छोड़ो ना बीमारी का बहाना करके, मुंह क्या दिखा से अबू झोली भर.
हमारा जो प्यारा सा कलाम था रमज़ान आया रोज़ा रखो जी, इसके अंदर जो है हमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने एक वीडियो हमें प्रेजेंट की है, जिसके अंदर उन्होंने हमें एक प्रॉपर बताया है कि रमज़ान जो है हमारे लिए किस कदर रहमतों और बरकतों से भरपूर एक महीना है, जिसके अंदर हमारे लिए बहुत से फ़ायदे हैं, वो हमारी फ़िज़िकली भी है और मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए भी है, क्योंकि इसके अंदर फिज़िकली तो जाहिर बात है जब हम रोज़े रखते हैं तो हमें फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं, और मेंटली इस तरह से हैं कि जब रमज़ान आता है तो सब लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए ऑटोमेटिकली मोहब्बत पैदा हो जाती है, एक दूसरे का ख्याल आ जाता है, सब गरीबों का जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए भी मतलब सब सोचते हैं एक दूसरे के लिए ना, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि रमज़ान में सब लोग एक हुए होते हैं हमारे मुसलमानों में ना, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और जो है रईस अनिस साबरी, ये इनकी ये मतलब इनकी बहुत सारी कवालियाँ वगैरह हैं जो मैं बहुत शौक़ से सुनती हूँ, और ये भी इन्होंने बहुत अच्छा कलाम जो है सिंग किया है। और यार ये जो वीडियो है वंशिका, ये जो मतलब इसके अंदर रईस ये अंसारी हैं, ये छोटे से बच्चे लग रहे हैं। अब आप अगर इनकी न्यू वीडियोस देखें तो ये तो पहचानने नहीं चाहेंगे कि माशाल्लाह से इतने बड़े हो गए हैं, और यहाँ पर बिल्कुल छोटे से हैं, तो इससे पता चलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा पुराने जो हैं कवाली, मतलब इन्होंने कवाली खान नात खान इस तरह के इन्होंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी हुई थी अपनी, आई थिंक मुझे लगता है 4 साल से ना, जब इनकी एज 4 साल की थी तब से इन्होंने प्रैक्टिस शुरू की हुई थी, तो ये इनका ना मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगता है। तो आप बताओ वंशिका, आपको कैसे लगी वीडियो? सही बात बताऊँ, मैं तो इनका पहली बार ये सुन रही हूँ कवाली, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और सही में मुझे जी वाला मन था ना, जैसे तुमने बोला कि बहुत पॉजिटिविटी दी, तो सही में ये वाला मन ना बहुत पॉजिटिविटी देता है। एक तो ना चलो इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में तो देखो नवरात्रि भी चल रहे हैं और रमज़ान भी चल रहा है, ठीक है, जहाँ पे हिंदू है वो नवरात्र रख रहे हैं, वहाँ पे मुस्लिम रमज़ान का फास्ट रख रहे हैं, और मतलब इसमें ऐसा है ना कि मुझे ऐसे लगता है कि फास्टिंग तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिज़िकली भी और मेंटली भी। यार देखो हम लोग एक ऐसे टाइम में जा रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं थी, और हम लोग इतना कुछ गंदा खाते हैं कि लाइक हमारा ओबियसली वो चीज़ बॉडी में इफ़ेक्ट करती है, लेकिन जो ये वाला टाइम होता है ना बहुत पॉजिटिविटी, जब हम अच्छा खाएंगे अच्छे से रहेंगे तो ऑब्वियसली हमारा दिमाग भी वैसे चलेगा। और मेरे को ना रमज़ान की और नवरात्रि की सबसे अच्छी ये चीज़ लगती है कि यार इस टाइम ना लोग ना थोड़ा ऐसे अच्छे अच्छे काम करने लग जाते हैं, जो कि नॉर्मली नहीं करते हैं लोग, वो काम करने लग जाते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो ये वाला जो बेसिकली मंथ है वो बहुत सुंदर मंथ है। और मुझे ऐसे लगता है चाहे वो फिर मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, दोनों के लिए यार ये मंथ बहुत स्पेशल माना जाता है, और बहुत ही अभी इसकी वाइब जो देखा जाए ना चारों ओर बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, और यहाँ पे भी जैसे नवरात्रि चल रहे तो हम नवरात्रों में नॉनवेज नहीं खा सकते, या फिर तुम ड्रिंक स्मोक कुछ भी नहीं कर सकते, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और सही बोलूँ मुझे रमज़ान बहुत ज़्यादा अच्छी लगते हैं और नवरात्रि भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और सही में मुझे वाली वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, मैंने उनका पहली कवाली सुनी। और अगर तुम चाहते हो कि हम लोग इस पर ऐसी वीडियोज़ पर और रिएक्ट करें तो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताना, और यही था हमारा रिएक्शन, और अगर हमें तुम्हें हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। फ्रेंड तो मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।